फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है व्लॉग 2 एंड आई एम गोइंग टू शेयर यू अबाउट द जन्माष्टमी। आज हम जन्माष्टमी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ये जो जन्माष्टमी के बारे में है, ये श्री श्री रविशंकर जी जो है उनका आर्ट ऑफ लिविंग वाला कोई ब्लॉग था, मैंने उसमें से पढ़ा एंड आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू पीपल। मतलब कोई भी जो फेस्टिवल होता है तो वी शुड नो लिटिल बिट डीप मीनिंग अबाउट इट कि ये क्यों मनाया जाता है। हाँ, ये सबको पता है कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, बिकॉज ऑफ इन दैट वी आर सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिव, तो अच्छी बात है। बट थोड़ा मैंने जो डीप पढ़ा, दैट आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू पीपल। एंड नाउ दूसरी बात ये कि आज का जो फेस्टिव है गुजरात में बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है, बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है एंड बहुत सारी रौनक होती है, मेले लगते हैं, एवरीथिंग एंड इट्स रियली अ गुड एटमॉस्फेयर। मतलब आप सब जगह देखोगे तो यू विल फाइंड ओनली हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट एंड एवरीथिंग। सो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट विद अ व्लॉग। हाय, जैसे कि जन्माष्टमी के बारे में आपने सुना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जन्माष्टमी, ओके, कृष्ण का जन्म हुआ इस, लेकिन क्यों जन्माष्टमी कहा गया है, दैट वी विल नो नाउ कि जन्म प्लस अष्टमी तो ये बनता है जन्माष्टमी। मतलब कि भद्रपद के कृष्ण पक्ष में कृष्ण का जन्म हुआ था रात को 12 बजे और इसी दिन को हम लोग जन्माष्टमी के रूप में, त्यौहार के रूप में इसे मनाते हैं। नाउ सेकेंड इज कि अभी डीप मीनिंग जो मैंने बोला था कि आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू, दैट इज़ कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो आनंद के साथ मनाया गया, ठीक है। तो द स्टोरीज, ये जो कथा जो है, हम स्टोरी तो नहीं बोल सकते इसको, अगर मैं प्योर हिंदी लैंग्वेज में बोलूँ तो प्राचीन कथाएँ जो होती है उस हिसाब से उसमें लिखा था कि जो देवकी जी है वो शरीर का प्रतीक है, दैट इज़ अ सिम्बॉल, द प्रतीक मीन्स, एंड जो वासुदेव जी है वो प्राण का प्रतीक है। अभी जब शरीर में प्राण आया तो आनंद का जन्म हुआ, आनंद मीन्स दैट इज़ अ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और बड़े उत्साह के साथ उसे मनाया गया। लेकिन जब अहंकार, मतलब जब आनंद का जन्म हुआ तो अहंकार जो था वो उसे देख नहीं पाया। अहंकार मतलब कंस मामा, वी नो एक्चुअली आप सब जानते हो कि कंस ने बहुत सारे प्रयास किए थे उसे मारने के लिए, तो कंस जो अहंकार था वो आनंद को तोड़ना चाहता था, ओके। बट द थिंग इज कि जहाँ पे आनंद है, जहाँ पे प्रेम है, जहाँ पे सच्चाई है, वहाँ पे अहंकार ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। जैसे कि कोई भी इंसान को अहंकार है, बहुत ही गुस्सा है, मतलब बहुत ही मतलब वो चिड़चिड़ापन है, बट जैसे ही आप उनसे हमेशा आप अपना जो स्टैंड है, मतलब कि प्रेम से बात करना, अच्छे से बात करना, उसमें जो है पॉजिटिव जो है, भले वो कितना ही बुरा हो, लेकिन जो पॉजिटिव थिंग्स जो है उसको ध्यान में रख के अगर आप उनसे बात करते हो तो हर टाइम आप उनसे प्यार से ही बात कर पाओगे, अच्छे से बात करोगे, तो शायद उनका जो चिड़चिड़ापन है, शायद जो अहंकार है, जो गुस्सा है, वो शायद कम होता जाए डे बाय डे। तो और हाँ, ये एक कथा के अनुसार लिखा गया था, बट इफ़ वी सी इन द प्रेजेंट सिचुएशन, तो प्रेजेंट सिचुएशन में ये चीज़ है थोड़ी ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है मैनेज करना। तो जहाँ पे आपको अहंकार दिखता है, ठीक है, और आप बहुत ही मैनेज करने के लिए ट्राई करते हो, बट इफ़ यू कांट मैनेज इट, इफ़ यू कांट, तो जस्ट लीव इट एंड मूव।
दूसरी बात ये भी उसमें बोली गई थी, उसमें लिखा था कि अगर आप जैसे कि एक इंसान दुखी होता है, एक इंसान अगर दुखी होता है तो वो दूसरों को भी तो वो दूसरों को भी दुखी करता है, और अपने साथ मतलब वो अगर नीचे के स्टेज पे है तो वो आपको घसीट के नीचे लेके आता है। अभी देखो जो इंसान खुश है, जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उनका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ही इज़ डूइंग हिज ओन वर्क, वो अपनी दुनिया में खुश है भाई, मस्त एकदम। सो ये एक मैसेज भी था। तो द मैसेज ऑफ दिस फेस्टिव इज़ कि आनंद में रहा करो यार, मतलब आनंद में रहो। अगर इगोइज्म है किसी को भी, तो आप उनके साथ प्रेम से बर्ताव कीजिए, शायद उनमें कोई डिफरेंस आए, शायद से वी कैन ट्राई वंस, ठीक है। और जब जन्माष्टमी होती है तो वो पूरा जो ये पर्व है वो आनंद का पर्व है, प्रेम का पर्व है, और मिठास का पर्व है। तो उन लोगों को उनके साथ मनाओ आप, ओके। एंड जो जो भी चीज़ें हैं आपको जो समझ में नहीं आती है, वो थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। जैसे कि अभी COVID-19 चल रहा है, मतलब अभी भी सब कुछ खुला नहीं है, सब जगह पे, बहुत सारी जगह पे मंदिर बंद है, ठीक है, मंदिर बंद है, एंड दे आर नॉट अलाउिंग इट टू डू पूजा एंड ऑल। और कई जगह पे है मंदिर में अलाउड है, आने दे रहे हैं अब तो। आज आप जाओगे तो बहुत उत्साह से ये पर्व मनाया जाएगा। हम जब मंदिर में जाते हैं तो हमें कितनी शांति फील होती है, मतलब वाइब्रेशंस कितने पॉजिटिव होते हैं वहाँ पे। वी कैन एन्जॉय दैट पॉजिटिव वाइब्स, हम लोग प्रे भी कर सकते हैं, मांग भी सकते हैं कि यार इस पर्व पे किसी का तो अच्छा हो। हम अपने लिए भी मांगते हैं, लेकिन हम जब दूसरों के लिए प्रे करते हैं, व्हेन वी आर अपसेट एंड वी आर प्रेइंग फॉर एनी अदर पर्सन, और वो भी इतने बड़े फेस्टिवल पे, तो सोचो यार पुण्य तो आपके बैंक में ही जमा होने वाला है, राइट। सो ये एक छोटा सा मैसेज है ऑन जन्माष्टमी कि बस अहंकार है अगर किसी को, तो उनके साथ प्रेम से वर्तो आप, एंड थोड़ा आप भी टॉलरेंस पेशेंस रखा करो तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए, ओके। बस यही यही मुझे आपसे शेयर करना था। एंड कोई भी फेस्टिवल होता है वो कोई भी फेस्टिवल होता है वो छोटा सा मैसेज लेके आता है, तो उस फेस्टिवल से हमें कुछ सीखना चाहिए। सो चलो साथ में मनाते हैं इस जन्माष्टमी पर्व को। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी की ढेर ढेर सारी सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। और आज का व्लॉग हम लोग का जन्माष्टमी के लिए स्पेशल व्लॉग है, तो आप लोग जरूर देखना, मिस मत करना, बहुत स्पेशल वीडियो है। Yeah.
लाइक्स करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट बिलो एंड लाइक, पसंद आए तो लाइक जरूर से जरूर करना और सब्सक्राइब बिल्कुल भूलना नहीं, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन बाय, टेक केयर।